प्रदेश सरकार सड़क बनाने के बड़े बड़े वादे तो कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ऐसा ही एक मामला गरुड़ जनपद पंचायत के गांव खारखेड़ा का है। गरुड़ जनपद पंचायत के गांव खारखेड़ा में आज तक सड़क नहीं बन पाई है, जहां गांव से बोलिया जाने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करना पड़ रही है और इस गांव के बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए कीचड़ पार करके स्कूल जाते हैं। कई बार तो इन बच्चों को बैग और साइकिल कीचड़ में ही गिर जाती है। वहीं गांव में सड़क बनाने का मुद्दा पिछले विधानसभा चुनाव में भी उठा था, लेकिन हर बार चुनाव में यहां नेता वादा करके चले आते हैं, उसके बाद गांव की तरफ जाना भी पसंद नहीं करते। महोदय ने वादा किया था कि यहाँ की सड़क बन जाएगी, पर हम सड़क नहीं बनी है अभी तक और हमें स्कूल जाने में परेशानी होती है। आपको बता दें पूरा मामला गरुड़ का है, जहां पर गांव खारखेड़ा में आज तक सड़क नहीं बन पाई है। राहुल प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता गरुड़ से। राहुल, साफ नजर आ रहा वीडियो में कि वहां पर सड़क नहीं है, सिर्फ गंदगी है, बारिश का पानी भरा हुआ है, छात्र स्कूल जा रहे हैं और उनकी साइकिलें कीचड़ में गिर जाती है, बस्ता कीचड़ में गिर जाता है, उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। वहां का प्रशासन की बात करें या वहां के पंचायत की बात करें, क्या कुछ काम कर रहा है वहां पर? जी सर, आपको बता दूं कि गरुड़ जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत खारखेड़ा मामला है, जहां पर आज तक सड़क नहीं बन पाई है, जहां पर अभी तक आजादी के 70 वर्ष हो गए हैं, यहां तक सड़क नहीं बन पाई है। यहां पर बच्चे बुजुर्ग कीचड़ पार करके बोलिया जाते हैं, जहां पर छोटे छोटे बच्चे मासूम बच्चे को स्कूल जाने के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। और एक और जाहिर सी बात यह है कि इसमें कई बार तो 108 स्वास्थ्य सेवा गाँव में मरीज जो लेने को आती है वो भी कई बार कीचड़ में बच जाती है, जिससे मरीज को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे आखिरकार कहाँ लापरवाही सामने आ रही है, आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से आज तक ये सड़क निर्माण नहीं हो पाया है? जी, ये तो जनप्रतिनिधि बता पाएंगे कि क्या समस्या आ रही है इनको, क्योंकि आजादी के 70 वर्षों के बाद। चलिए, जनप्रतिनिधि की बात की तो आपने उनसे बात की होगी, तो जनप्रतिनिधि को क्या कहना है सड़क को लेकर? जिस तरह छात्रों की तस्वीरें साफ नजर आ रही है कि वो सड़क पार कर रहे हैं, लेकिन सड़क पूरी गड्ढों से भरी पड़ी है, कीचड़ से लबालब वो सड़क है और जनप्रतिनिधि हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। चुनाव के दौरान तो वो वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद जब वो जीत जाते हैं तो उस तरफ रुख तक नहीं करते हैं। तो क्या कुछ कहना है जनप्रतिनिधियों का? जी, जनप्रतिनिधि से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि हम जल्दी सड़क निर्माण करवाएंगे, और ये सड़क निर्माण का हर विधानसभा चुनाव में मुद्दा उठता है, जनता द्वारा मुद्दा उठाया जाता है, ग्रामीणों द्वारा मुद्दा उठाया जाता है। और चुनाव के हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक शंकर सिंह जी जुड़ चुके हैं। शंकर सिंह जी, जिस तरह चंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, चंद्र सिंह जी, जिस तरह हम बात कर रहे हैं गरुड़ के जो प्राथमिक शाला है खारखेड़ा की बात कर रहे हैं, वहां पर आज भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि आजादी के से लेकर 75 साल बीत चुके हैं और अब तक वहां पर सड़क का नामो निशान नहीं है। ऐसे में चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे किए जाते हैं वोट हासिल करने के लिए कि सड़क का निर्माण किया जाएगा, लेकिन जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो ना वहां सड़क रहती है ना कोई सुविधा रहती है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ जी। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवराज जी की सरकार में ये सड़क मंजूर हो चुकी थी जी। लेकिन ये कांग्रेस की दिवालिया सरकार होने के कारण जो लोगों को मुआवजा नहीं देना, लोगों की जो सड़क बनाने की अर्थात पूरी नहीं करने के कारण सड़क नहीं बन रही है जी। ना इसका कोई कारण नहीं है सड़क बनने का, और ये जनता की जिनाइन आवश्यकता है और जनता का सही मुद्दा है, इसको कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को बनाना चाहिए। सर, क्या लगता है खारखेड़ा की हम बात करें, जाहिर सी बात है आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कमलनाथ की सरकार में ये होना चाहिए, लेकिन हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि 75 साल से यहाँ पर सड़क का नामो निशान नजर नहीं आया इस जगह पर, जहाँ पर छात्र साइकिल लेकर आ रहे हैं, तो ये 15 साल की शिवराज सरकार थी, उस दौरान क्या हुआ? 15 साल की शिवराज सरकार के दौरान की तो मैं बात कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं 2015 उपचुनाव के का प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का था और उपचुनाव जीतती भारतीय जनता पार्टी, उसके दौरान इस सड़क को मैंने मंजूर करवा दी गई थी जी। लेकिन अभी बजट के अभाव में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार इसको पूरा नहीं कर पा रही है, इसकी जिम्मेदार भी कांग्रेस की सरकार है जी। तो क्या लगता है, आप भी उस क्षेत्र के प्रतिनिधि की हम बात करें, आप भी उस क्षेत्र के प्रतिनिधि है, ऐसे में क्या लगता है कि आप वहां की जनता के लिए क्या कुछ करने की तैयारी कर रहे हैं? मैं जनता के लिए सब कुछ तैयारी करके तैयार हूं, और कांग्रेस के खिलाफ ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, मैं जनता के साथ में हूं, क्षेत्र की जनता के लिए जो भी कुछ करना पड़े वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र सिंह जी हमारे साथ बातचीत साझा करने के लिए। हमारे साथ देवीलाल जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी विधायक, उनसे हम, देवीलाल जी आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। हम बात कर रहे हैं गांव खारखेड़ा में, जहां पर आज तक सड़क निर्माण नहीं हो पाया है और एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। सर, जिस तरह बात की जाए सड़क निर्माण को लेकर, यहाँ पर
लंबे समय से सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, आप किसे दोषी मानते हैं इसको लेकर? एक्चुअल में इसके लिए मैं कांग्रेस से सरकार को दोषी मानता हूं कि 70 साल बाद आजादी के उन्होंने सड़कें बनाई नहीं, जितनी भी सड़कें बनी है वो सब भाजपा शासन काल में बनी है। ये खजूरी के तरफ से जो खारखेड़ा को जोड़ा गया वो भी पूर्व विधायक चंद्र सिंह जी के समय बनी है, और बाकी की जो अभी कई जगह के जो टुकड़े बचे हैं वो सड़कें बनना बाकी है। हम उन सड़कों को बनाने के लिए बराबर संघर्ष करेंगे और वो सड़कें बनवाने की कोशिश करेंगे। सड़कों का जाल ही भाजपा शासन काल में और पूरा फैला है, सब दूर ग्रामीण क्षेत्रों को और पंचायतों को जोड़ने के लिए केवल भाजपा की योजना थी, अटल जी की योजना, जिसके कारण ये सब गांव जुड़े शहरों से। तो देवीलाल जी, बात करें खारखेड़ा की, जहां पर जो शासकीय प्राथमिक स्कूल है वहां तक जाने के लिए जो रास्ता है, क्या वो बीजेपी शासनकाल में नहीं बना था? नहीं, बीजेपी शासनकाल में एक तरफ तो जोड़ दिया उसको, दूसरी तरफ का बाकी रह रहा है अभी। क्या लगता है, आप 75 साल की बात कर रहे हैं और साथ में 15 साल सरकार रही, और इस 15 साल सरकार में रहने के बावजूद भी जो एक जोड़ बन नहीं पाया, तो कहां हम इसको ढिलाई माने बीजेपी सरकार की? नहीं, ये आपके ध्यान में आ गया, खारखेड़ा ऐसी भी और भी कई जगह थी, एक तरफ आखिर भाजपा सरकार ने जोड़ा इसको, खारखेड़ा को। जी अच्छा, चलिए मान लेते हैं आप उस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या लगता है इस गांव को आज तक सड़क नहीं मिल पाई, तो आप क्या कुछ करेंगे वहां की खारखेड़ा की जनता के लिए, क्योंकि जनता ही आपको यहां तक पहुंचा पाई है? नहीं, खारखेड़ा की जनता के लिए हम है ना, हम जनप्रतिनिधि इसीलिए हैं कि प्रत्येक गांव की इन समस्याओं को निपटारा करेंगे। अभी हम विपक्ष में हैं तो विपक्ष की पूरी भूमिका निभाएंगे और सड़क बनाने के लिए हम बराबर संघर्ष करेंगे। क्या लगता है कांग्रेस सरकार को अब आगाह करेंगे इस सड़क की बात करें, और भी सड़कों की बात करें, तो कांग्रेस सरकार को किस तरह सड़क के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेंगे? कांग्रेस सरकार ने अभी जो बजट पेश किया, टोटली बजट छिंदवाड़ा, भोपाल और इंदौर में दे दिया है जी। हाँ, अब इसलिए ये जितनी भी सड़कें बनेंगी हम प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ही बनवाने का प्रयास करेंगे जी। तो यानी उम्मीद की जाए कि आप प्रतिनिधि हैं और आप वहाँ की जनता की हक की लड़ाई के लिए कांग्रेस सरकार से बात करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। चलिए अब देखते हैं कि आने वाला वक्त क्या बताता है। देवीलाल जी धाकड़, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। यानी कि आपको बता दें कि गांव खारखेड़ा में आज तक सड़क नहीं बन पाई, और सड़क को लेकर हम बात करें, बीजेपी के जो विधायक उनसे बातचीत की तो वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि 15 सालों की हम बात करें, 15 साल जो बीजेपी की सरकार रही उस दौरान भी सड़कों की हालत खस्ता हाल थी, और अब जब कांग्रेस की सरकार आई है तो बीजेपी खासतौर पर कांग्रेस पर ही आरोप लगा रही है। हालांकि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने भी सड़कों को लेकर अभी फिलहाल कोई ध्यान नहीं दिया है।